जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट लेक्चर में हमने SLE पढ़ा था, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस, और हमने एक्ने वल्गैरिस पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्दर डिफरेंट डिजीजेस ऑफ डर्माटोलॉजी और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल हीम एंजियोमा। हीम मीन ब्लड, एंजियोमा मीन अ ट्यूमर filled with abnormal or normal blood vessels. Angioma, tumor of the blood vessels. Heme angioma, heme mean blood and angioma mean a tumor which is filled with blood vessel, a tumor of blood vessels. So this is the meaning by word of heme angioma. ये infants में होता है, ज़्यादातर ये premature infants में होता है, ये girl infants में होता है, और ये बर्थ मार्क हो सकता है, यानी बच्चा पैदा हुआ है तो उसको ये हीमेंजियोमा जो है वो फेस पे या जो है वो स्कैल्प के ऊपर ज्यादातर इन जगहों पे होता है, लेकिन किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोगों को फेस पे, स्कैल्प पे, नोज पे ये हीमेंजियोमा जो है ये एबनॉर्मल ट्यूमरस मैस कंपोज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, ये अगर इसको टच करें या इसको ट्रॉमा हो जाए या इसकी ओवरलैंग स्किन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए तो ये ब्लीड कर सकता है, और फिर ब्लीड कर सकता है तो इसका इन्फेक्शन हो सकता है, और इसकी जो ऊपर वाली जो स्किन है इसका ब्रेक डाउन हो जाए तो इसका फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इट्स अ बेनाइन ट्यूमर, इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। बेबी पैदा होगा तो तब उसको ये होगा, या फिर फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ जो है उसमें ये होगा, ठीक है, फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। सिक्स मंथ्स जो है वो सिक्स मंथ्स या वन ईयर तक ये ग्रो करेगा, और जब बेबी वन ईयर का हो जाएगा तो ये खुद ब खुद रिग्रेस करना शुरू हो जाएगा, इसकी इन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, और ये विदाउट एनी ट्रीटमेंट ऑन इट्स ऑन ये ठीक होना शुरू हो जाएगा और ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये इसका नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज होता है, ठीक है। मोस्टली इट अकर्स इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, मोस्टली इट अकर इन गर्ल इन्फेंट्स, और ये समटाइम्स इट रन इन फैमिलीज, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिफरेंट बातें हैं। मसला क्या है कि अगर ये किसी ऐसी लोकेशन पे हो, फॉर एग्जांपल आई को इन्वॉल्व कर रहा है तो वीएन डिस्टर्ब करेगा, नोज को इन्वॉल्व कर रहा है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम साथ में कर सकता है, ईयर को इन्वॉल्व कर रहा है हेयरिंग प्रॉब्लम कर सकता है, डिफिकल्टी इन हेयरिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन विजुअल डिफिकल्टी, ये सब चीजें ये कर सकता है। और इसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है बहुत वल्नरेबल होती, बहुत नाजुक होती है और फ्रेजाइल होती है, तो ये अगर ब्रेक डाउन कर जाए तो इसमें से ब्लीडिंग होगी और इस जगह का इन्फेक्शन होगा, तो वो फिर डिसफिगरमेंट, ये एक कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट देखने में, जब इस चीज की हीलिंग होगी तो जो स्कार बनेगा दैट वुड नॉट वो अच्छा नहीं नजर आएगा, ठीक है, फेशियल डिसफिगरमेंट कॉज कर सकते हैं। तो ये इसकी सारी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, नोज के ऊपर होता है, ठीक है, और गर्ल्स में होता है, इन्फेंट्स में लो स्पेशली प्रोन। बेटा अपनी माइक्स ऑफ कीजिए, प्यारे बच्चों अपनी माइक्स ऑफ कीजिए। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में ज्यादा होता है, लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट इन्फेंट किसको कहते हैं, जिसका बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg है, ठीक है, लो बर्थ वेट इन्फेंट हम किसको कहेंगे, हुज बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 kg, और समटाइम्स ये फैमिलीज में रन करता है। तो इट्स अ बिनाइन ट्यूमर, ट्यूमर की कौन सी टाइप्स होती है, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर जो लाइफ थ्रेटनिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता और जो मेटास्टेसाइज नहीं करता उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। ट्यूमर का क्या मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन या डिवीजन ऑफ द सेल्स, ऐसी सेल डिवीजन जो होती चली जा रही है और उसको बॉडी जो है हमारी वो प्रोग्राम नहीं कर पा रही, उसको रोक नहीं पा रही और ट्यूमर ग्रोथ होती जा रही है, एबनॉर्मल एंड कॉन्टिन्यूड प्रोलिफरेशन ऑफ एनी बॉडी टिश्यू और सेल्स, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्यूमर और अ ट्यूमर मैस। तो दैट इज अच्छा, इसके अलावा ये एक एबनॉर्मल या नॉर्मल ब्लड वेसल से फिल हुआ हुआ ये छोटा सा या बड़ा ट्यूमर मैस हो सकता है। फर्स्ट वीक्स ऑफ लाइफ में हमें ये नजर आएगा और ये शुरू शुरू में बड़ी तेजी से ग्रो करेगा फर्स्ट सिक्स मंथ्स के लिए, और उसके बाद एट द एज ऑफ वन ईयर
कंप्लीट इन्वोल्यूशन, इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी और इसकी इन्वोल्यूशन होना शुरू हो जाएगी, यानी इसकी ऑटोमेटिकली इसकी अपनी सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी विदाउट एनी ट्रीटमेंट और विदाउट एनीथिंग. सो दिस इज द नेचुरल कोर्स ऑफ हर ऑफ दिस डिजीज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज. तो ये बर्थ मार्क भी हो सकता है और ये ब्राइट रेड नोड्यूल ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स इन द स्किन, जैसे पीछे आपने फेस पे देखा, नोज पे देखा, स्कैल्प पे देखा, कि ये प्रेजेंट हो सकता है. कहीं भी बॉडी में हो सकता है लेकिन ज्यादातर फेस, स्कैल्प, चेस्ट और अपर बैक पे ज्यादातर, कहीं भी हो सकता है बट ज्यादातर फेस पे और स्कैल्प पे मोस्ट कॉमनली आता है. तो मसला इसका क्या है कि अगर इसकी ओवरलाइंग स्किन ब्रेक डाउन हो जाए तो इट कैन लीड टू पेन, ब्लीडिंग एंड स्कारिंग एंड डिसफिगरमेंट, इन्फेक्शन. तो इन चीजों की वजह से, और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन इट कैन अफेक्ट द चाइल्ड विजन, ब्रीदिंग, हियरिंग एटसेट्रा, बट इट इज वेरी वेरी रेयर. सो दैट वॉज ऑल अबाउट. तो किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, ऑन इट्स ओन ये इन्वोल्यूशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, रिग्रेस करेगा और खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत उसका जो निशान है वो रह जाएगा. नेक्स्ट पैथोलॉजी व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज सोराइसिस. नेक्स्ट पैथोलॉजी इज सोराइसिस. आप में से सबने जो है वो कम्युनिटी में किसी ना किसी सोराइसिस के पेशेंट का सोरियाटिक पैच देखा होगा. और लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि पेप्यूल कैसे लियन होते हैं, प्लेक्स कैसे लियन होते हैं. पेप्यूल जो है वो हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पेल्पेबल लियन होता है जो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है एंड इट इज रेज्ड अबव द स्किन सर्फिस, ठीक है, और हम इसको पेल्पेट कर सकते हैं. और ये लियन जब मोर देन 1 सेंटीमीटर होगा तो फिर हम इसे प्लेक कहेंगे. तो इस तरह का एरिथीमेटस का क्या मतलब होता है, रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन. रेड इन्फ्लेम्ड चीज को या लीजन को हम एरिथीमेटस का, इन जनरल इट्स अ जनरल टर्म, एरिथीमेटस, रेडनेस एंड विद इन्फ्लेमेशन, ऐसे लियन को एरिथीमेटस बोलते हैं जो रेड कलर का है और जिसमें इन्फ्लेमेशन है, तो उसको हम एरिथीमेटस कह देते हैं. पेप्यूल्स एंड प्लैक्स, ठीक है. तो इस तरह का लियन जो है ये सोराइसिस में बनता है. मोस्टली ये नी का जो एक्सटेंसर सरफेस है, ठीक है, हमारे लिम्ब की एक एक्सटेंसर सरफेस होती है, एक फ्लेक्सर सरफेस होती है. फॉर एग्जाम्पल लोअर लिम्ब की जो एंटीरियर सरफेस है वो एक्सटेंसर सरफेस है क्योंकि उस पर हम नी को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है. और जो पोस्टीरियर सरफेस है हमारी लेग की या नी की वो फ्लेक्सर सरफेस है क्योंकि उस पर हम नी को फ्लेक्स करते हैं. तो इट्स अ जनरल टर्म. इसी तरह हमारा जो अपर लिम्ब है उसकी ये जो क्यूबिटल फॉसा वाली साइड है, ठीक है, ऑपोजिट है ना लोअर लिम्ब के, क्यूबिटल फॉसा वाली साइड है वो फ्लेक्सर सरफेस है और जो एल्बो वाली साइड है वो एक्सटेंसर सरफेस है. खैर ये कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है बट एनी हाउ इट्स एन इन्फॉर्मेशन कि इसको एक्सटेंसर सरफेस और फ्लेक्सर सरफेस भी कहते हैं. जिस सरफेस पे आप एक्सटेंड करते हैं वो एक्सटेंसर सरफेस है, जिस सरफेस पे आप फ्लेक्स करते हैं वो फ्लेक्सर सरफेस है. एनी हाउ तो इट मोस्टली वी कैन सी इट ऑन द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द नी और एल्बो. ये लियन जो है ये फेस पे नहीं होगा कभी भी, फेस पे नहीं होगा और पाम्स एंड सोल्स पे नहीं होगा, फेस पे नहीं होगा, पाम्स एंड सोल्स पे नहीं होगा. तो लियन की लोकेशन कहाँ है वो भी उसके डायग्नोसिस में हेल्प करती है. अगर इस तरह का लियन आपको पाम्स पे या सोल्स पे या फेस पे मिले तो दैट इज नॉट सोराइसिस, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन वो सोराइसिस नहीं है बिकॉज सोराइसिस का लियन पाम्स एंड सोल्स पे और फेस पे नहीं होता. शार्पली डिमार्केटेड लियन होता है, इसका क्या मतलब है, शार्पली डिमार्केटेड यानी कि इसके जो मार्जिन हैं दे आर वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन, ठीक है. वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द लीजन एंड द सराउंडिंग स्किन सर्फेस. एकदम से जो है शार्प मार्जिन है, शार्पली डिमार्केटेड लियन है, इसका क्या मतलब है कि लियन और जो सराउंडिंग स्किन सर्फेस है उसमें वाजे फर्क है और हमें साफ पता चलता है कि ये जो है ये लियन का मार्जिन है और बाकी ये जो है ये सराउंडिंग स्किन है, यानी कि मार्जिन जो है वो उसके साथ मर्ज नहीं किए होते सराउंडिंग स्किन के साथ. वी कैन क्लियरली टेल दैट दिस इज द लियन एंड दिस इज द सराउंडिंग नॉर्मल स्किन सर्फेस. तो ऐसे लियन को कहते हैं कि ये शार्पली डिमार्केटेड लियन है, इसकी बाउंड्रीज बहुत ऑब्वियस हैं, ठीक है. मजीद ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी कि इट इज ड्यू टू अ रिएक्शन of the body to the autoantibodies
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और ये लियन बनता है. इट इज ऑल्सो एन ऑटोइम्यून डिजीज. और बहुत सारे सोराइसिस के पेशेंट में साथ में आर्थराइटिस भी होता है, जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं. इसलिए जब भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सोराइसिस का पेशेंट जाएगा, वो उससे आर्थराइटिस के बारे में जरूर पूछेगा कि आपको इस तरह जोड़ों में दर्द तो नहीं होती, जोड़ों में सूजन और पेन तो नहीं होती, आर्थराइटिस की हिस्ट्री किसी एक जोड़ में या ज्यादा जो है उसमें. और आर्थराइटिस के लिए जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो वो अच्छा डॉक्टर उससे सोराइसिस के पैच, क्योंकि पैच बाहर हाथ पे तो नहीं पड़ा होगा ना, वो तो क्लॉथ में कवर होगा, पेशेंट को तो नहीं पता कि आर्थराइटिस हो सकता है साथ में एसोसिएटेड, कि वो खुद बताए. तो पेशेंट से आपने ये चीजें हिस्ट्री टेकिंग में पूछनी होती है. तो आर्थराइटिस का पेशेंट जब मेडिकल केयर जो है एडवाइस सीक करेगा तो उससे सोराइसिस की हिस्ट्री जरूर ली जाएगी, और सोराइसिस का पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाएगा तो उससे आर्थराइटिस की हिस्ट्री जरूर ली जाएगी, बिकॉज देयर कैन बी एसोसिएटेड सोरियाटिक आर्थराइटिस इन पेशेंट्स ऑफ सोराइसिस. ठीक है, तो ये इस तरह का लियन होता है. और इसमें देयर इज हाइपर प्रोलिफरेशन एंड हाइपर कैरेटिनाइजेशन ऑफ द स्किन. ठीक है, स्किन के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते चले जाते हैं, इसलिए थिक सा पैच बन जाता है. और हाइपर कैरेटिनाइजेशन, कैरेटिन प्रोटीन है पूरी बॉडी को हमारे लाइन कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, और कैरेटिनाइजेशन कैरेटिन प्रोटीन भी उस जगह पे ज्यादा बन रही है. सो देयर इज हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ द स्किन सेल्स एंड हाइपर कैरेटिनाइजेशन ऑफ द सेल्स एज वेल, दैट वुड लीड टू द पर्टिकुलर क्लिनिकल लुक ऑफ सोरियाटिक पैच. हेरिडिटरी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है इसकी एटियोलॉजी में, इसकी कॉजेशन में. समर में ये इम्प्रूव कर जाता है. मोस्टली स्किन डिजीजेस एंड एलर्जिक डिजीजेस दे गेट वर्स इन विंटर. इसकी क्या वजह है कि विंटर में स्किन की प्रोटेक्शन जो है या स्किन प्रोटेक्टिंग इफेक्ट फैक्टर्स जो हैं वो जरा ड्राइनेस हुई होती है, तो इसलिए स्किन डिजीजेस जो हैं वो विंटर मंथ्स में इन जनरल जो है वो वर्स होती हैं. तो समर में इंप्रूव करेगा, विंटर मंथ्स में वर्स करेगा. स्ट्रेस, स्मोकिंग, एल्कोहल आर ऑल्सो द एग्रेवेटिंग फैक्टर एंड पॉजिटिव फैक्टर. इन लोगों में ये ज्यादा देखने में आता है. पाम्स एंड सोल्स पे ये लियन नहीं होगा. उसके अलावा एल्बो, नी, स्कैल्प, नेल्स, इन जगहों पे देखने को मिल सकता है. फ्रंट सरफेस ऑफ द लेग पे मिलेगा या एल्बो पे मिलेगा. इसके अलावा स्कैल्प पे मिल सकता है. और पाम्स एंड सोल्स को और फेस को हमेशा स्पेयर करेगा. ठीक है, जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ज्यादा चांस है कि हमें सोराइसिस नजर आ सकता है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स. कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है और लॉन्ग टर्म ये चलता है. थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट और नए से नए ट्रीटमेंट इसके आते चले जाते हैं, बट आज की डेट तक इसका कोई डेफिनेटिव और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट कि इसको हम लगाएं और ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है. एक और चीज जो मैं मेंशन करना मुझे याद नहीं रहा, इसका पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर है सिल्वरी स्केलिंग. सिल्वरी स्केलिंग, जैसे कि ये आपने लियन पे देख रहे हैं, व्हाइटिश आपको अपीयरेंस नजर आ रही है. ठीक है, सिल्वरी, सिल्वर कलर के स्केल्स उतरते हैं इस लियन से, तो हम इसको कहते हैं सिल्वरी स्केलिंग. दैट इज अ टिपिकल क्लिनिकल फीचर ऑफ सोराइसिस. तो इसमें सिल्वरी स्केलिंग होती है. कुछ मेडिसिन के साथ इसका रिलेशनशिप देखने में आया है कि पीपल हु यूज लिथियम एनसेड्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स व्हिच आर द बिग क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये मेडिसिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें ये ट्रिगर हो जाता है. ट्रॉमा, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, स्मोकिंग, ओबेसिटी और एल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा, तो ये सारी चीजें जो है ये इसकी इटियोलॉजी में देखी गई है कि इन लोगों में ये ज्यादा होता है. डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए हमने क्या चीजें यूज करनी है जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है. जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया है कि ये हाइपर कैरेटिनाइजेशन है, हाइपर प्रोलिफरेशन है. एरिथेमेटस का क्या मतलब, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग. रेडिश लियन जिसमें इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग है उसको हम एरिथेमेटस बोलेंगे. तो इन्फ्लेमेशन है तो उसको ही हमने टारगेट करना है. सैलिसिलिक एसिड, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसुप्रेसेंट. तो जहां ऑटो इम्यूनिटी आएगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे, जहां इन्फ्लेमेशन आएगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे. विटामिन डी और इसके अलावा मॉइस्चराइजर जो है वो कोल्टार, एंथ्रालीन, ये डिफरेंट लोगों में यूज की जाती है विद वेरिंग इफेक्ट्स.
तो डिजीज उसी तरह से है जैसे SLE की थी के फ्लेयर आया हुआ है और फिर रिमिशन आई हुई है किसी वक्त ये लियन जो है वो जैसे हमने पीछे पढ़ा के इट इम्प्रूव्स इन समर्स और विंटर मंथ्स में ये लियन जो है ये एग्रेसिव हुआ हुआ होता है बड़ा हुआ हुआ है ज्यादा रेड हुआ हुआ है और फ्लूइड कंटेनिंग विजिकल्स बने हुए हैं उसके ऊपर और ज्यादा इची है एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये भी ऐसी डिजीज है जिसमें लियन जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी टाइम ये ज्यादा डिजीज एक्टिविटीज हाई एंड द लियन इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड प्रॉब्लमेटिक और उसके बाद कुछ शर्से में ये लियन जो है ये काफी डॉर्मेंट हो जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ट्रीटमेंट और अंडर नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज. तो ये काफी जो है लियन देखने में छोटा हो जाएगा लेकिन रहेगा उधर ही. ठीक है तो ये कुछ प्रपोज ट्रीटमेंट्स हैं जो कि की जाती हैं और मॉइस्चराइजर्स आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस. तो इसमें भी इंपॉर्टेंट है विटिलाइगो और एल्बिनिज्म दो डिजीजेस हैं जिसमें कि मेलानोसाइट्स पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स इन आवर स्किन जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं मेलानोसाइट्स. उनका प्रॉब्लम है उनकी डिजीज है कौन सी दो डिजीज है विटिलाइगो एंड एल्बिनिज्म मिलती जुलती डिजीज है लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. एनी हाउ विटिलाइगो में क्या होता है एडल्ट में होती है बड़े लोगों में होती है जेनेटिक फैक्टर्स आर इन्वॉल्व बट इट्स नॉट अ जेनेटिक डिजीज इट्स नॉट अ इट्स अ जेनेटिक डिजीज जेनेटिक फैक्टर्स आर इन्वॉल्व बट इट्स नॉट अ कंजेनिटल डिजीज बाय बर्थ नहीं होती एडल्ट में होती है. ठीक है हेरिडिटरी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व जेनेटिक फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द कॉजेशन ऑफ विटिलाइगो बट एडल्ट में होती है कंजेनिटली जब बेबी पैदा होता है उस टाइम ये नहीं होता जबकि एल्बिनिज्म इज अ कंजेनिटल डिजीज जब बच्चा पैदा होगा तो वो एल्बिनो होगा इन केस ऑफ एल्बिनिज्म वो हम आगे पढ़ते हैं. सो विटिलाइगो एडल्ट में होती है ऑटो इम्यून डिजीज है उसी तरह ऑटो एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनिफेस्टेशन एंड कॉजेशन. लॉस ऑफ मेलानोसाइट एक पर्टिकुलर एरिया जो स्किन का है वहां पे मेलानोसाइट्स जो है वो काम करना बंद कर देंगे तो मेलानोसाइट नहीं बनाना था मेलानिन पिगमेंट तो वो नहीं बनाएंगे और वहां पे स्किन जो है वो डीपिगमेंटेड या एज कम्पेयर टू सराउंडिंग स्किन वो वाइट नजर आएगी जैसा कि ये आप फिगर में देख रहे हैं. तो इन जगहों पे मेलानिन नहीं बन रहा इस वजह से एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग स्किन ये जो व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पे मेलानिन है तो इसका ऐसा कॉम्प्लेक्शन है यहाँ पे मेलानिन नहीं है तो इसका ये वाइट कॉम्प्लेक्शन है. ये पैचेस और कहीं पे भी बॉडी में और 1-2% ऑफ ओवरऑल सारे ग्लोब पे दुनिया में पूरी में 1-2% लोगों को ये है और ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है इट कॉजेस सम आई प्रॉब्लम्स जो कि हम आगे पढ़ते हैं कि आई में ये स्ट्रैबिस्मस करता है महंगापन करता है इफ द आईज आर इन्वॉल्व रेटिना को अगर ये इन्वॉल्व करे वहां पे भी पिगमेंट नहीं हो तो इट वुड लीड टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विजन एंड आई प्रॉब्लम्स. तो उसके लिए फिर सर्जरी भी हो सकती है प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस भी हो सकते हैं. एनी हाउ विटिलाइगो लॉस ऑफ मेलानोसाइट एट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी तो जहां पे भी फिर ऐसा होगा फुलबहरी इसको उर्दू में कहते हैं. ठीक है फुलबहरी इसको उर्दू में कहते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए वो ये कि इट कैन बी एसोसिएटेड विद ग्रेव्स डिजीज जो कि है हाइपरथायरॉइडिज्म इंक्रीज लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन्स T3 T4 के लेवल्स हाई होंगे. ग्रेव्स डिजीज इज अ हाइपरथायरॉइडिज्म इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यू टू एन ऑटो इम्यून डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड. एडिसन डिजीज इज अ एन ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल ग्लैंड और उसमें एड्रीनोकॉर्टिकल ग्लैंड जो है वो तबाह हो जाएगा हॉर्मोन्स नहीं बनाएगा जो भी वो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन वगैरह बनाता है वो नहीं बनाएगा. ठीक है तो ग्रेव डिजीज भी एक ऑटोम्यून डिजीज है एडिसन डिजीज भी एक ऑटोम्यून डिजीज है. एक ऑटोम्यून डिजीज अगर पेशेंट को है तो देर इज अ चांस कि उसको कोई और ऑटोइम्यून डिजीज भी साथ में हो सकती है. एक एलर्जिक डिसऑर्डर है फॉर एग्जांपल डर्माटाइटिस है तो साथ में एस्थमा भी हो सकता है वो भी एलर्जिक डिसऑर्डर है. ठीक है तो प्रेजेंस ऑफ वन ऑटोइम्यून डिजीज हमें बाकी किसी और ऑटोइम्यून डिजीज के लिए भी देखना चाहिए और भी साथ में हो सकती है. प्रेजेंस ऑफ वन एलर्जिक डिसऑर्डर कोई और एलर्जिक डिसऑर्डर भी साथ में हो सकता है.
तो इसको क्या कहेंगे कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, ठीक है जी। तो ऑटोइम्यून डिजीज है, इट इज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद द ग्रेव्स डिजीज, इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एंड एडिसन्स डिजीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द एड्रेनोकॉर्टिकल ग्लैंड, और presence of one of autoimmune disease can be associated with the presence of other autoimmune disease as well. तो देखने में ये ऐसा नजर आएगा, ये life threatening नहीं है, but it is a strong like social effect इसका बहुत बड़ा है। अब देखें, अब बेचारे जिस बंदे का face ऐसा नजर आएगा तो लोग तो बहुत ही दुनिया जालिम है, उसको तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। So cosmetic disfigurement या cosmetic effect इसका बहुत ही strong है, जो causes depression and stress in the patients of vitiligo. और जिसको थोड़ा बहुत होता है उसका तो बेचारा वो किसी ना किसी तरह से उसको कुछ लगा के कवर कर लेते हैं, लेकिन जिसका ज्यादा होता है वो फिर परेशान होता है बंदा, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और जिस एरिया में ये सोराइटिक सॉरी ये विटिलाइगो का पैच होगा उसमें जो हेयर आ रहे हैं वो भी वाइट होंगे, वो भी एक तो एज के साथ वाइट होते हैं ना बाल, लेकिन जिस पेशेंट को विटिलाइगो होगा वो जहां पे उसका पैच होगा उसमें जो हेयर आ रहे हैं वो भी वाइट होंगे। तो अगर आई लैशेज आ रही हैं, आईब्रोज आ रही हैं, या कोई हेयर का मतलब हेड हेयर जो होते हैं स्कैल्प के जो हमारे हेयर होते हैं वहां का कोई पोर्शन आ रहा है, तो उतना पोर्शन जो है वो ग्रे हेयर होंगे, ठीक है। इक्वल रेट्स इन मैन एंड विमेन, कोई जेंडर प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, कोई ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सारी दुनिया में एक ही रेशियो 1-2% ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑल द रेसेस विल बी इज अफेक्टेड, ठीक है। मेलानोसाइट्स जो हैं दे आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एन ऑटोइम्यून डिजीज, ये ऑटोइम्यून प्रोसेस ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज द मेलानोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड इन एडल्ट्स, सो दैट मेलानिन नो मोर प्रोड्यूस्ड एंड अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन विल बी वाइट। इसके अलावा पैची लॉस ऑफ स्किन कलर तो हमने डिस्कस किया कि इसमें होगा, इसके अलावा प्रीमेच्योर वाइटनिंग और ग्रेइंग ऑफ द हेयर, जहां के भी हेयर इन्वॉल्व है, आई लैशेज है, आईब्रोज है, बियर्ड है, स्कैल्प है, जहां के भी हेयर इस पैच के अंदर आ रहे हैं दे विल ऑल्सो बी वाइट और ग्रे। लॉस ऑफ कलर इन द टिश्यूज दैट लाइन द इनसाइड ऑफ द माउथ एंड नोज, तो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन और ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन को भी ये अफेक्ट कर सकता है, ना सिर्फ स्किन को बल्कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो भी डीपिगमेंटेड हो सकती है, इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और इसके अलावा रेटिना का पिगमेंट लॉस हो सकता है, ठीक है। हेरिडिटरी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, तो हेरिडिटरी फैक्टर्स तो हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, हेरिडिटरी फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, लेकिन ट्रिगर कब होगा, सामने कब आएगा, ड्यू टू द सनबर्न, स्ट्रेस और एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ये कुछ चीजें देखने में आई हैं कि इन फैक्टर्स के वजह से पहली दफा ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। सोशल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पेशेंट को बहुत ज्यादा होते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सनबर्न एंड स्किन, मेलानिन नहीं है, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मतलब जिस भी एरिया में मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता दैट एरिया इज मोर वल्नरेबल टू यूवी रेज विच आर प्रेजेंट इन द सनलाइट, तो सनब्लॉक लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड स्किन कैंसर। आई प्रॉब्लम्स हैं, आयरिस में मैंने आपसे कहा कि रेटिना का कलर नहीं होगा, आयरिस में आपको पता है पिगमेंट होता है वो नहीं होगा, तो आयराइटस, ठीक है, और विजन प्रॉब्लम्स ये कर सकता है, हेयरिंग लॉस इसके साथ एसोसिएटेड पाया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। स्टीरॉइड्स आर स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी, ऑटोइम्यूनिटी को जो है वो कवर करते हैं, इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट और स्टीरॉइड्स जो है इन कॉम्बिनेशन भी और अलग-अलग भी जो है इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्जिमेटस डर्माटाइटिस। डर्मा मीन स्किन, टाइटस मीन इंफ्लेमेशन, सो डर्माटाइटिस मीन इंफ्लेमेशन ऑफ द स्किन। एटॉपिक मीन ड्यू टू एलर्जी, हमारे खाने में या हमारी रोजमर्रा रूटीन लाइफ में, हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, कुछ ऐसी चीज है जिसको के हम एलर्जिक है। व्हेन वी कम इन कॉन्टेक्ट विद दैट एलर्जन, दैट ट्रिगरिंग इवेंट और ट्रिगरिंग फैक्टर, तो हमें ये एटॉपिक डर्माटाइटिस या हे फीवर या अस्थमा, जो डिफरेंट एलर्जिक डिजीज है,
वो उनकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है, वो हम डिवेलप कर लेते हैं एलर्जन. तो एलर्जन को पहचानना है कि खाने में या एनवायरमेंट में, वट एवर हमारी डेली रूटीन लाइफ में कौन सा हमारा एलर्जन है, तो उसको अवॉइड करेंगे तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस और फ्लेयर्स जो है वो कम होंगे. ठीक है, तो इट्स अ कंडीशन. अच्छा, और ये बहुत ज्यादा रेडनेस, और जब खासतौर पर ये इसका फ्लेयर आया होता है तो ये बहुत रेड होता है और इच्ची खारिश बहुत ज्यादा होती है इसमें, और विजिकल्स होते हैं जिनसे फिर फ्लूइड लीक करता है, और ये मोस्टली ये बचपन में ही जो है वो होना शुरू हो जाता है, जो है प्रेजेंट करता है चिल्ड्रन में, बट ओल्ड एज में या एडल्ट्स में भी करता है, लेकिन मोस्टली ये बच्चों में ही नजर आ जाता है, बच्चों में ही प्रेजेंट कर जाता है अर्ली एज में. ठीक है, क्रॉनिक डिजीज है, एक दफा हो गई जान नहीं छूटेगी, जैसे हमने पिछली डिजीज पढ़ी बिल्कुल उसी तरह, एंड टेंड्स टू फ्लेयर पीरियोडिकली. एक टाइम आएगा डिजीज एक्टिविटी विल बी हाई, बहुत प्रोमिनेंट डर्माटाइटिस का पैच नजर आ रहा होगा, और एक टाइम आएगा कि लगेगा कि पेशेंट को डर्माटाइटिस का वो बिल्कुल जो है वो इतना वाजे लियन नहीं होगा, लियन विल बी मच डॉर्मेंट एंड रिग्रेस हुआ हुआ लियन होगा. फिर जब एलर्जन को एक्सपोजर होगा तो फिर उसका फ्लेयर आ सकता है. ठीक है, इट मे बी एकॉम्पनीड बाय एस्थमा और हे फीवर. एक एलर्जिक डिसऑर्डर दूसरी भी हो सकती है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मजीद भी हो सकती है. सो पीरियोडिकली देयर विल बी फ्लेयर ऑफ द डिजीज, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन विल गेट वर्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो उसको हम कहेंगे डिजीज एक्टिविटी विल बी हाई, हम कहेंगे फ्लेयर आया था. व्हेन द डिजीज एक्टिविटी विल बी वेरी लो, हम कहेंगे कि रिमिशन का पीरियड है. बहुत खारिश होती है इसके ऊपर, पेशेंट स्क्रैच करता है, स्क्रैच करने से हिस्टामिन रिलीज होती है, हिस्टामिन से और खारिश होती है, पेशेंट और स्क्रैच करता है, ट्रॉमा टू द स्किन करता है, और विशियस बहुत बुरा, विशियस का क्या मतलब होता है, बहुत बुरा इच स्क्रैच साइकिल, यानी खारिश करेंगे और खारिश होगी, खारिश करेंगे जितनी खारिश करेंगे और खारिश होगी, तो ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है. खासतौर पर रात को पेशेंट इससे बहुत परेशान होता है, तो इसलिए एंजियोलिटिक्स और नींद की दवाई थोड़ी बहुत और एंटी हिस्टामीन्स लोकल एंड ओरल दिए जाते हैं टू अवॉइड सच प्रॉब्लम. ऐसे पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो अपने नाखून काटें, बच्चा है तो उसके नाखून काट के रखे जाते हैं, क्योंकि नाखूनों से स्क्रैच करने से ज्यादा ट्रॉमा होगा, नाखून कटे भी होंगे तो कम ट्रॉमा होगा, सिंपल सी बात है. ठीक है, इचिंग मे बी एग्रेवेटेड बाय कोल्ड वेदर फ्रीक्वेंट बाथिंग. तो गर्म पानी से अगर इसका पेशेंट नहाएगा तो उसकी जो एलर्जी है स्किन की वो मजीद वर्स होने का डर है, इसलिए हॉट वाटर नहीं वार्म वाटर यूज करना चाहिए. इसके अलावा कपड़ों में वूल से एलर्जिक हो सकता है, कोई डिटर्जेंट से जो सोप अच्छा नहीं यूज करे, सो ऐसा पेशेंट कैसा सोप यूज करेगा, सिंपल सोप जिसमें ना होने के बराबर केमिकल्स हो, फॉर एग्जाम्पल बेबी सोप में कम होते. तो अगर किसी को ऐसा है तो वो जॉनसन बेबी सोप यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा सोप जिसमें आप समझते हैं कि केमिकल्स नहीं है, खुशबूयात नहीं है, ठीक है, परफ्यूम्स नहीं है, तो वो बेहतर है. सोप एंड स्ट्रेस, सो दीज आर द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जिनको हमने अवॉइड करना है, एलर्जन को पहचानना है और एलर्जन से जो है हमने अवॉइड करना है. वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से प्रेजेंट करता है, स्किन को बहुत ड्राई करेगा, बहुत इचिंग होगी, बहुत खारिश होगी, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, स्पेशली एट नाइट जैसे हमने पहले डिस्कस किया, और इसका पैच कहीं पे भी बॉडी में देखने में आ सकता है, कहीं पे भी देखने में आ सकता है. इन्फेंट्स में भी हो सकता है डर्माटाइटिस, जैसे कि डायपर रैश तो सबने देखा है, लेकिन वो तो कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस होता है, ये क्या है, एलर्जिक डर्माटाइटिस, एटॉपिक डर्माटाइटिस. डायपर रैश जो है वो क्या उसमें आता है, कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस. और किस तरह का लियन होता है, स्मॉल रेज्ड पेप्यूल्स या विजिकल्स विच में लीक फ्लूइड एंड क्रस्ट ओवर. अब तक आपको विजिकल्स, पेप्यूल्स, क्रस्ट इन सब के मतलब पता होंगे, ये आपके फर्स्ट लेक्चर में ये सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ी थी. और थिकन्ड, ज़ाहिर है स्किन को बार बार ट्रॉमा होगा, स्किन बार बार जो है वो हाइपर प्रोलिफरेट करेगी, तो थिकन्ड स्किन होगी, क्रैक्ड होगी, क्योंकि स्किन हेल्दी नहीं है, स्केल्स उतरेंगे, क्रस्ट उतरेंगे. ठीक है, तो दीज ऑल प्रॉब्लम्स will be faced by the patient of allergic dermatitis. Moisturize तो वैसे भी सबने करना है, और ये जो patient है ये तो at least twice a day जरूर करें. सबसे अच्छे natural moisturizer नारियल का तेल, aloe vera gel,
और मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स आर अवेलेबल. यू कैन चूज एनी गुड वन. ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड द ट्रिगर्स दैट वर्सन द कंडीशन. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, हॉट वाटर जो है वो नहीं यूज करें, वार्म वाटर यूज करें. और इसके अलावा स्ट्रेस, ओबेसिटी, सोप्स, डिटर्जेंट, डस्ट, पोलन, इनमें से कोई भी हमारा एलर्जन हो सकता है जो कि हमारी इस कंडीशन को ज्यादा खराब करता है. तो रिड्यूस योर एक्सपोजर टू द एलर्जन्स. ये सारी चीजें हमने करनी. एरिथीमा मल्टीफॉर्म. एरिथीमा मीन वही रेडनेस, इन्फ्लेमेशन. मल्टीफॉर्म डिफरेंट शक्लों का, मल्टीफॉर्म काफी सारी शक्लों के लिए इसमें हमें मिलते हैं. तो ये इसकी शक्ल होती है बुल्स आई अपीयरेंस कि इसमें लियन भी हमें मिल सकते हैं. मल्टीफॉर्म का क्या मतलब होता है कि डिजीज एक ही है और उसमें मुख्तलिफ जो है शक्लों के लियंस हमें, मुख्तलिफ शेप्स के जो लियंस हैं वो हमें मिलते हैं. ये इस लियन की और शक्ल है, इसकी और है, इसकी और है, यहाँ कोई एक और छोटा सा ये लियन पड़ा हुआ है. तो एक ही डिजीज है एरिथीमा मल्टीफॉर्म. इट्स अ वायरल डिजीज. लेकिन इसमें जो मैक्यूलर पेप्यूलर लियन, मैक्यूलो पेप्यूलर लियन बनते हैं वो हर लियन दूसरे से डिफरेंट है. और ये बुल्स आई लियंस भी इसमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस आया है और इस पेशेंट ने उसको कुछ और ही तरह से रिस्पॉन्ड किया. अ डीरेंज्ड एंड एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काइंड ऑफ इट इज. सो अगर कोई आपसे पूछे कि एरिथीमा मल्टीफॉर्म क्या है तो आपने कहना है इट्स अ वायरल डिजीज, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस. आपका जब वाइवा होता है आप वायरल डिजीज को बैक्टीरियल बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज को पैरासिटिक बोलते हैं, पैरासिटिक डिजीज को बैक्टीरियल बोलते हैं. प्लीज ऐसे नहीं किया करें. जब भी आप कोई डिजीज पढ़ते हैं इफ इट इज ड्यू टू एन ऑर्गेनिज्म तो आपको पता होना चाहिए कि ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है या पैरासिटिक डिजीज है या फंगल डिजीज है. ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म. अब ऑर्गेनिज्म तो ये चारों हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, ये चारों चीजें जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये डिजीजेस हमारी बॉडी में कितनी सारी कॉज करती हैं. तो किसी भी डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको सही पता होना चाहिए कि वो वायरस है, उसका नाम क्या है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, क्या है क्या नहीं है. तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीजेस आपसे हमेशा पूछा जाता है. तो अभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसको आप ठीक से पढ़ा करें. अच्छा, इसका कुछ भी नहीं करना, इसको सिर्फ आपने डायग्नोज करना है, पहचानना है. इतना खौफनाक नजर आने वाला लिए ना, आप पेशेंट को कहेंगे कि भई ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा खुद से ही, बस आपने इस दौरान जो है वो स्किन को मॉइस्चराइज रखना है और अपनी स्किन की हाइजीन प्रॉपर रखनी, बस ये खुद ही ठीक हो जाएगा. सेल्फ लिमिटिंग है, इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन. सो इट्स अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज बाय हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लियंस ओवर द स्किन. और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी ये लियन हमें देखने को मिल सकते हैं और ये खुद ही ठीक हो जाएगा विदाउट कॉम्प्लिकेशन, बस आपने इसको पहचानना है. नेक्स्ट क्या है, एल्बिनिज्म. दो टाइप्स का होता है, कंजेनिटल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बाय बर्थ बच्चे को एल्बिनिज्म होगा. दो टाइप्स है, ऑक्युलर जिसमें सिर्फ आई इन्वॉल्व होती है और ऑक्युलर कुटेनियस जिसमें आई भी इन्वॉल्व होती है और बाकी पूरी बॉडी की स्किन भी इन्वॉल्व होती है. लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द दोनों पेरेंट से जब डिफेक्टिव जीन आएगी, एक पेरेंट से आएगी तो नहीं होगा. ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है. रिसेसिव में क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स जब खराब जीन देते हैं तो बीमारियां नजर आती है. और ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है कि एक पेशेंट भी, एक पेरेंट भी अगर खराब जीन देता है तो द डिजीज विल बी देयर इन द पेशेंट्स लाइफ. ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव. अब तक आप सीनियर सेमेस्टर में है, यू मस्ट नो दिस थिंग. एल्बिनिज्म, टू टाइप्स, ऑक्युलर and oculocutaneous. Ocular, only eyes are involved, limited to the eyes. Oculocutaneous, melanin dysfunction involves eye, skin, hair. लेकिन different इसके कुछ patient हैं जिसमें बिल्कुल ही white होते हैं सर से लेके पांव तक, और कुछ हैं जो थोड़ा, उनमें थोड़ा बहुत melanin produce होता है. तो काफी सारी genes होती हैं जो इसकी production में involved होती हैं, इसलिए जितनी genes involved होंगी उतना ज्यादा होगा, जितनी कम genes involved होंगी उतना कम होगा, ये भी हो सकता है. ठीक है, cause इसकी बहुत सारी जीन्स जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं, उनमें किसी में भी प्रॉब्लम आने से ये हो सकता है. मेलानिन प्रोडक्शन या तो बिल्कुल एब्सेंट होगी या बहुत रिड्यूस्ड होगी. ठीक है, या बहुत बिल्कुल एब्सेंट होगी या बहुत कम होगी. और बोथ द पेरेंट्स से जब आएगी ये जीन तो फिर पेशेंट विल बी सफरिंग फ्रॉम एल्बिनिज्म.
सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? ऑब्वियसली एब्सेंस ऑफ स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, कहीं पिगमेंट हर जगह पे अफेक्टेड होगा, या बिल्कुल एब्सेंट होगा या बहुत कम होगा, ब्राइटर देन नॉर्मल कलर. मैम ये ऑटोसोमल रिसेसिव है. जी बेटा, जी बेटा. मैम ये डिजीजेस जो है ये एल्बिनिज्म या आवाज गायब हो गई आपकी बीच में से. ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है? पहले क्या आप किसी और से बात करें? एनीहाउ एल्बिनिज्म में फिर बीएन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि हमने बात की कि रेटिना का पिगमेंट भी इसमें एब्सेंट या रिड्यूस्ड हो सकता है, तो इट कैन रिजल्ट इनटू क्रॉस डाइज, भेंगापन, फोटोफोबिया. जब ये पेशेंट लाइट में जाता है तो आपने देखा होगा किसी एल्बिनिज्म के बच्चे को कि वो आंखें बंद करने की कोशिश करता है, तो ऐसा बच्चा जो है वो उसको सनग्लासेस लगा के ज्यादा धूप में आना चाहिए. निस्टैग्मस क्या है? इनवोलेंट्री, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, रैपिड आई मूवमेंट्स. तो निस्टैग्मस, तो इन सब चीजों को फिर आई सर्जन ठीक करते हैं. इम्पेयर्ड वीजन एंड इट कैन इवन लीड टू ब्लाइंडनेस. ठीक है, तो ये आई प्रॉब्लम जो है उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन आई ग्लासेस हैं, सर्जरी ऑफ द आई मसल्स हैं, और निस्टैग्मस की ट्रीटमेंट में, और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग सन से बचने के लिए, क्योंकि देखें इतना कम है मेलानिन या बिल्कुल ही एब्सेंट है, तो सारी की सारी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो सारी की सारी स्किन जो है वो एक्सपोज्ड है सन को, तो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग और लगाना और लेना और सनस्क्रीन लगाना, हाई फैक्टर सन ब्लॉक SPF 60 और अबव टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द यूवी रेज, और सन ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द फोटो सेंसिटिविटी यूवी रेज की वजह से. और तो ये सारी चीजें, क्योर कोई नहीं है, कंजेनिटल डिजीज है, क्योर कोई नहीं है, तो हम सन डैमेज को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे और आई जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये हम इसमें कर सकते हैं. ज़ेंथोमास आर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के पेशेंट में, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होते हैं, उसमें लिपिड लेडन हिस्टियोसाइट्स हमारी आईज के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर नजर आ सकते हैं, टेंडन्स के ऊपर नजर आ सकते हैं, नोड्यूल्स की फॉर्म में, एंड दे आर एसोसिएटेड विद हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया. किसी पेशेंट में नजर आए तो उसका लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, बाकी ट्रीटमेंट कोई नहीं करना, लिपिड प्रोफाइल को ठीक करना इज द ट्रीटमेंट. कीलॉइड हाइपरट्रॉफिक स्कार, कीलॉइड इज अ हाइपरट्रॉफिक स्कार. पेशेंट में कोई ट्रॉमा हुआ या सर्जरी हुई और उसकी वहां पे हीलिंग शुरू हुई और होती चली गई, वो हीलिंग बंद ही नहीं हुई, कनेक्टिव टिश्यू बनना शुरू हुआ हीलिंग के लिए लेकिन वो बनता ही चला गया, उसकी वो स्टॉप ही नहीं हुआ, कीलॉइड फॉर्मेशन हाइपरट्रॉफिक स्कार पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, बट नीग्रोज आर वेरी वेरी प्रोन टू दिस कॉम्प्लिकेशन. इसको फिर सर्जिकली रिमूव किया जाता है, तो फिर ये किस्मत है मरीज की, दोबारा भी हो सकता है और हो सकता है कि ना हो. ठीक है, अफ्रीकन में इज वेरी वेरी कॉमन, इट इज ड्यू टू ट्रॉमा टू द स्किन और एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जिकल स्कार, इट कैन रीअकर आफ्टर रिसेक्शन. तो ये क्या है? हाइपरट्रॉफिक, यानी कि हाइपरट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? साइज में जो ज्यादा बढ़ जाता है. आमतौर पर जहां पे सर्जिकल इंसिजन होता है वहीं पे हीलिंग होनी चाहिए और फिर जब हीलिंग हो जाए तो वो कनेक्टिव टिश्यू के बनने का प्रोसेस स्टॉप हो जाए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, हीलिंग शुरू होती है और होती चली जाती है, तो हाइपरट्रॉफिक स्कार बन जाता है, जिसको हम कीलॉइड कहते हैं. जी बच्चों, कोई सवाल? जी मैम, आप लेक्चर कब अपलोड करेंगे? हाँ बेटा, सब मिल जाएगा आपको, आप परेशान नहीं हो, डोंट वरी, आपको आपकी सबकी ईमेल्स में मिल जाएंगे. पहले मैं जो बच्चे रह गए उनको एनरोल कर लूं, मैंने उसका प्रोसेस शुरू किया है, तो काफी सारे बच्चे हैं, सब लोग मुझे ईमेल करें, जो जो एलएमएस एनरोल्ड नहीं है वो सब मुझे ईमेल करें, सब ईमेल करें, तो मैं सबको एनरोल करूँ एक दो दिनों में. ठीक है मैम, आपकी ईमेल आईडी क्या? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. सवाल, कोई क्वेश्चन नहीं है मैम? जी बोले, आपकी ईमेल आईडी तो दे. ईमेल आईडी? जी जी बेटे, किसी भी अपने फ्रेंड से पूछ ले, somya.sabi@umt.edu.uk. ओके मैम, इतना मासूम सवाल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.